यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने अब सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार पेंटिंग लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलवाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार पेंटिंग कैसे बनेगा। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं अच्छी पेंटिंग बनाना जानता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने लगा और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा पेंटिंग बनी होगी उसकी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था, एक साइड से उस राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग की थी। उस लड़के के सामने की भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं, कभी नहीं छोड़ा,
तो यकीन मानिए, आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने के प्यार के साथ। अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कुछ कर दिखाइए, कुछ ऐसा करिए कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।